प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील रवाना होने वाले हैं। 14 और 15 जुलाई को ब्राजील में ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं सदस्य। $100 बिलियन से ब्रिक्स बैंक की स्थापना है मुख्य एजेंडा। जलवायु परिवर्तन के बुरे असर से निपटने के उपाय, विश्व में अमेरिकी असर को कम करने के लिए आपसी सहयोग और साझेदारी पर होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा और ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफ से मिलेंगे पीएम। वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, एनएसए चीफ अजीत डोभाल, विदेश सचिव सुजाता सिंह और वित्त सचिव अरविंद मायाराम भी होंगे पीएम के साथ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी की तारीफों के बांधे पुल, मोदी को बताया दुनिया में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाला नेता। मोदी की जीत के बाद कैमरून ने फोन पर की थी मोदी से बात, भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में सुनाई मोदी से बातचीत। कैमरून ने कहा भारत और ब्रिटेन दोनों में साहसिक सुधार करने वाली सरकारें जो प्रगति और स्वतंत्र उद्योग में करती हैं विश्वास। कैमरून का बयान, भारत और यूके को सैद्धांतिक तौर पर बताया करीब मगर रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत पर दिया जोर। ट्राई संशोधन बिल पर मोदी सरकार को एनसीपी के मुखिया शरद पवार का साथ, पवार बोले मैं ट्राई संशोधन बिल का समर्थन करता हूं। नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति का भी पवार नहीं करेंगे विरोध का, उनकी नियुक्ति में कुछ भी गलत नहीं। मोदी सरकार के कामकाज पर बोले पवार, कहा अभी उनके कामकाज को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी। शरद पवार का बयान, अभी तक मोदी सरकार ने जो काम किया उससे कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं नजर आती। लोकसभा में नेता विपक्ष के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ शरद पवार, कहा कांग्रेस को मिलना चाहिए ये पद। सरकार ने दो टूक कहा, अगर कांग्रेस मुद्दे को कोर्ट में ले गई तो वहां भी जवाब देंगे। बीजेपी संसदीय दल का ऐलान, लोकसभा में उपनेता बने राजनाथ सिंह, राज्यसभा में जेटली को मिला जिम्मा। जम्मू का आईआईटी दिए जाने पर खड़ा हुआ नया बखेड़ा, उमर अब्दुल्ला का केंद्र और जम्मू और कश्मीर को बांटने का लगाया आरोप। उमर अब्दुल्ला ने लगाया आरोप, सियासी फायदे के लिए धार्मिक आधार पर जम्मू को कश्मीर से अलग करना चाहती है केंद्र सरकार। उमर ने पीडीपी पर भी साधा निशाना, कहा बीजेपी और पीडीपी की मिली भगत है, आईआईटी की घोषणा पर पीडीपी की खामोशी के पीछे क्या राज है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा, देश के आर्थिक हालात सुधरे तो अगले बजट में आम लोगों को टैक्स में मिलेगी बड़ी राहत। वित्त मंत्री ने कहा आजाद भारत में पहली बार एक साथ 50,000 रुपए तक की बढ़ाई गई टैक्स एग्जेम्पशन, अगर विरासत बेहतर मिलती तो और ज्यादा देता छूट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की मंगनी, आज अहमदाबाद के YMCA क्लब में जोरदार तैयारी। राजनाथ सिंह और अरुण जेटली समेत कई मंत्रियों और बड़े बीजेपी नेताओं के पहुंचने की उम्मीद, VIP मेहमानों के स्वागत में जुटा प्रशासन। हिसाब 1.25 करोड़ नकदी के मामले में फंसे बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने भाई राकेश सिंह को बताया पैसा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया और मैं अपने भाई को उनके सामने रख दिया, उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है बस। सांसद के भाई राकेश सिंह से पूछताछ करेगी बिहार पुलिस, अब तक नहीं मिल पाया 1.25 करोड़ रुपए का हिसाब। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुरादाबाद के SSP को खुलेआम दी धमकी, कहा दूर तक निभाएंगे दुश्मनी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा बीजेपी ने SSP को नागिन की तरह आंखों में उतार दिया है। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है, अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष का बयान,
एसएसपी जनता की सेवा के लिए फिट नहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश उन्हें अपने बंगले पर तैनात करें। हम कप्तान के द्वारा अनावश्यक तौर पर अति उत्साह में आकर समाजवादी की चाकरी के रूप में भाजपा के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से अपमान किया गया है, उस अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लेगी। पिछले दो दिनों से मुंबई में हो रही लगातार बारिश के बाद आज भी मुंबई में झमाझम बारिश की उम्मीद, शहर के अलावा झीलों पर भी हो सकती है बरसात। मुंबई के लिए अगले 48 घंटे बेहद नाजुक है, भारी बरसात से मुंबई में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, इसके अलावा हाई टाइड की भी आशंका। लगातार बरसात के बावजूद मुंबई में अब तक बना था जल संकट, लेकिन आज अगर झीलों पर भी बरसे बादल तो कम हो सकता है मुंबई का जल संकट। उत्तर और पश्चिमी भारत में 14 जुलाई यानी सोमवार को बरसात की उम्मीद, मौसम विभाग ने जताई उत्तराखंड के कुमाऊं और पूर्वी राजस्थान में बारिश की उम्मीद। दिल्ली में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने में एक दिन का और करना होगा इंतजार, मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार से दिल्ली को भिगोएंगे बादल। आरटीआई के जरिए दिल्ली में हुआ बड़ा खुलासा, हर रोज दिल्ली से 18 बच्चे होते लापता। एक एनजीओ की आरटीआई का दिल्ली पुलिस ने दिया जवाब, साल 2013 में 6494 बच्चे हुए गायब। दिल्ली में फिर शुरू हुई धरने की सियासत, रोहिणी में सुबह 10 बजे धरने पर बैठेंगे केजरीवाल। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के साथ दिल्ली सरकार के सौतेले व्यवहार का आरोप, सोसाइटियों के पदाधिकारी और सदस्य भी देंगे धरना। रोहिणी सेक्टर 9 के डीसी चौक पर दोपहर 2 बजे तक धरने पर बैठेंगे केजरीवाल, पुराने डीडी एक्ट में बदलाव की कर रहे हैं मांग। झांसी के नवाबाद में अज्ञात हमलावरों ने किया वकील पर हमला, पार्क में घूमने गए वकील मदन बबेले को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल वकील का कानपुर में इलाज जारी। मामले में एसपी नेता चौधरी असलम शेख समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। बिहार के जहानाबाद में सीएम जीतन राम मांझी की सभा में जोरदार हंगामा, तोड़फोड़ और नारेबाजी करते रहे लोग। स्थानीय नेता को भाषण देने का मौका न मिलने के कारण हुआ हंगामा, सीएम के पास वक्त कम होने के कारण भाषण देने से रोका गया। जहानाबाद मखदुमपुर वाणावर में श्रावणी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे थे सीएम जीतन राम मांझी, हंगामे के बाद मांझी ने लोगों को समझाया, फिर शुरू हो सका कार्यक्रम। दिल्ली के वसंत कुंज में क्वालिस में तेल भरते वक्त हुआ जबरदस्त हादसा, मशीन उखड़ने से हुआ धमाका, लगी भीषण आग। तेल भरते हुए ड्राइवर ने अचानक बढ़ाई क्वालिस, गाड़ी आगे बढ़ने से उखड़ी पेट्रोल पंप मशीन। दमकल की 6 गाड़ियों से काबू में आई आग, हादसे में 2 लोग घायल हुए। सीसीटीवी में कैद हुए हादसे की तस्वीर, जांच में जुटी पुलिस। पूरा तेल हुआ नहीं था, इतने ड्राइवर ने गाड़ी आगे भगा दी, मशीन खींची सर रोकने के लिए, जैसे भगे मशीन नीचे गिर पड़ी, वो लेके गाड़ी भग गया, गाड़ी गिरने से मशीन गिरने से स्पार्किंग हुई, आग पकड़ ली। उत्तर पश्चिम दिल्ली के नथुपुरा में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प, करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। झगड़े में एक घर का सामान, एक सेंट्रो कार और रेडीमेड कपड़ों के शोरूम में तोड़फोड़, शोरूम का सामान सड़क पर फेंका गया। दिल्ली के नबी करीम में सामने आया रेप का मामला, किन्नर बनकर लड़की को नौकरी का झांसा देकर किया रेप। उड़ीसा से नौकरी की तलाश में दिल्ली आई थी युवती, बहला फुसला कर अपने ठिकाने पर ले जाकर लड़की से किया रेप। किन्नर के ठिकाने से भागी लड़की ने नबी करीम थाने में की शिकायत, आरोपी किन्नर गिरफ्तार, मेडिकल में हुई रेप की पुष्टि। भोपाल के एडिशनल आईजी अनिल कुमार मिश्रा पर रेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप, जयपुर की महिला ने महिला थाने में दर्ज कराया मुकदमा। पति पर भोपाल में मुकदमा दर्ज होने के बाद महिला ने की थी आईजी से मुलाकात, आरोपी अफसर पर डरा धमका कर रेप करने का आरोप लगाया। जयपुर के सरकारी कॉलेज में लेक्चरर हैं पीड़ित महिला, मुकदमा दर्ज होने के बाद से एमपी का आरोपी अफसर छुट्टी पर।
गुड़गांव के पालन विहार में छेड़छाड़ से तंग आकर 10वीं की छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी की। छात्रा से छेड़छाड़ और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज, आरोपी युवक जमुना प्रसाद और रिंकू गिरफ्तार। एनसीआर के गाजियाबाद में महज 10 रुपए के लिए युवक का कत्ल, युवक के दोस्तों पर ही मर्डर का आरोप। युवा खेल रहे युवकों के बीच 10 रुपए के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद, झगड़े के बाद दोस्तों ने ली युवक की जान, आरोपी फरार। हरियाणा के रोहतक में टोल नाके पर स्थानीय ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट। नेशनल हाईवे पर स्थित मखलौली टोल प्लाजा की घटना, सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें। जनवरी 2014 में शुरू हुआ था टोल प्लाजा, टोल की दरों को लेकर गांव वाले कर रहे हैं विरोध। मध्य प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के मौके पर दिखी रेल की डरावनी तस्वीर, जान दांव पर लगाकर सफर करने को मजबूर हुए हजारों लोग। 600 यात्रियों की क्षमता वाली गाड़ी पर सवार हुए करीब 3000 लोग, रेलगाड़ी से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म तक मची अफरा तफरी। बोकारो में नाबालिग से हुई दरिंदगी के मामले में घटना स्थल का जायजा लेने पहुंची प्रशासन की टीम, घटना के 5 दिन बाद खुली नींद। घटना स्थल पहुंचे उपायुक्त और आईजी का बयान, तमाम आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर फास्ट कोर्ट में कराई जाएगी मामले की सुनवाई। रात में 6-7 की मिडनाइट में बात हुई थी, रेप का अटेम्प्ट किया, उसके बाद बात वहीं पर खत्म हो गई। इस सवेरे में लोग जैसा तैसा रहे, फिर शाम को दूसरे दिन 7 तारीख को 4-5 बजे इवनिंग में ये जो जिसकी वाइफ थी उसको खबर मिली। चेन्नई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में लगी भीषण आग, घंटों तक आग से जूझती रही फायर ब्रिगेड की टीम। आग में बिल्डिंग का एक फ्लोर जलकर हुआ खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, 18 गाड़ियों ने मिलकर पाया आग पर काबू। अलीगढ़ में सिरफिरे फौजी ने अपने परिवार पर किया अंधाधुंध फायरिंग, पत्नी और बेटे के अलावा एक पड़ोसन की भी मौत। पत्नी से मामूली क्लेश के बाद फौजी ने बरसाई गोलियां, बेटी को भी लगी गोली, मेडिकल कॉलेज में भर्ती बेटी की हालत नाजुक। अलीगढ़ के केवल विहार इलाके की घटना, आरोपी फौजी मनोज को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के वैशाली में पावर कट के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर किया हंगामा। पुलिस वालों से भी हुई लोगों की तगड़ी नोक झोंक, गुस्सा है लोगों ने गिराया बिजली विभाग का शटर, रात 1 बजे तक होता रहा हंगामा। यूपी के जौनपुर में नाबालिग से दरिंदगी के बाद पंचायत के तुगलकी फरमान, रेप पंचायत ने पीड़ित की इज्जत की कीमत तय की 10,000 रुपए। हमारे स्कूल कराए देहन पंचायत में सब लोग 10,000 रुपये सुलह कराए देन, हम लोग के बोले ना आए देन, अपने मार्ज स्कूल कराए देहन। घर में घुसकर गांव के युवक ने नाबालिग से किया था रेप, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में भाई ने गोली मारकर दो बहनों को उतारा मौत के घाट, प्रेमी से शादी करना चाहती थी बहन, परिवार ने कहीं और तय की थी बहन की शादी, मगर बहन के प्रसंग से गुस्सा है भाई ने की बहन की हत्या, बीच बचाव करने आए दूसरी बहन को भी मारी गोली। यूपी के गोंडा में फिर हुई हैवानियत, सोती हुई नाबालिग का अपहरण कर 2 दिन तक किया गया रेप, बाद में धमकी देकर फैजाबाद स्टेशन पर छोड़ा गया। अपने मम्मी के पास सो रहे थे, दो लोग गांव के बगल से तीसरे के संग आए और मेरे मुंह में कपड़ा ठूस के मुझे उठा ले गए और मेरे साथ गलत काम भी किया, 2 दिन तक बंधक बनाए रखा था। गोंडा के नवाबगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, अपहरण और रेप के 3-3 आरोपियों की तलाश जारी। ड्रॉ की तरफ बढ़ता दिख रहा है नॉटिंगहम टेस्ट, 4th दिन का खेल खत्म होने तक भारत को 128 रनों की बढ़त। पहली पारी में 10वें विकेट की रिकॉर्ड पार्टनरशिप की बदौलत इंग्लैंड ने बनाया 496 रनों का स्कोर, भारत पर हासिल की 39 रनों की बढ़त।
10वें विकेट के लिए एंडरसन और रूट ने जोड़े 198 रन। ऑस्ट्रेलिया के एश्टन और ह्यूज की 163 रनों की साझेदारी का तोड़ा रिकॉर्ड। 156 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे जो रूट, तो 11वें नंबर पर आए खेलने आए एंडरसन ने बनाए 81 रन। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 3 विकेट पर 167 रन। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे क्रीज पर मौजूद। मुरली विजय ने दूसरी पारी में भी खेली शानदार पारी, 52 रन बनाने के बाद बने मोइन अली का शिकार। 55 रन बनाकर आउट हुए चेतेश्वर पुजारा, लेकिन दूसरी पारी में भी नहीं चला शिखर धवन का बल्ला, महज 29 रन बनाकर हुए आउट। फीफा वर्ल्ड कप में तीसरे स्थान पर कब्जा करने में कामयाब हुई हॉलैंड, ब्राजील पर 3-0 से दर्ज की आसान जीत। फीफा वर्ल्ड कप 2014 का आज होगा खिताबी मुकाबला, फाइनल में भिड़ेगी जर्मनी और अर्जेंटीना की टीमें। आधी रात को होने वाले मुकाबले में जर्मनी की होगी चौथे खिताब पर नजर, तो अर्जेंटीना इससे पहले 2 बार बन चुका है चैंपियन।